देखिए प्यारा सा मासूम सा क्यूट सा बच्चा है, इतना बड़ा पत्थर इसके सर में लग गया है। अब बताइए लगा है। अच्छा यहाँ पर लगा है। लड़का के बच्चे ओकरा पास अति होल त इहे लगा है। कभी 7 बजे, कभी 10 बजे, कभी 1 बजे। 1 बजे कोई टाइम टेबल नहीं। हाँ, कोई टेबल नहीं। आएगा तो कैसे उड़ के चल जाएगा? कोई अथि है, जादूगर है, क्रिस है कि उड़ गया, फुर से उछल गया वो? अभी कुछ दिनों से लगातार जो है गांव में जो है दहशत का माहौल बना हुआ है। दहशत का माहौल इसलिए बना हुआ है क्योंकि गांव में जो है बच्चा चोर घूम रहा है और बच्चा चोरी करके उसका किडनी निकाल के बेच देता है, ऐसा सुनने में आ रहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। अभी इससे पहले एक वीडियो देखे होंगे, वीडियो में है मैं दौड़ के आया और पता चला कि अभी 7:30-8 बज रहा है रात, और इसी बीच में जो है गाँव में जो है साइड वाला जो घर होता है आजू बाजू में मकई उकई लगा हुआ है क्योंकि बरसात का मौसम है, खेती उती हुआ है, तो लोग पत्थर मार रहा है। और पत्थर मारने में क्या हुआ, ये देखिए प्यारा सा मासूम सा क्यूट सा बच्चा है, इतना बड़ा पत्थर इसके सर में लग गया है। अब बताइए ये जो नलायक गिरी वाला काम कर रहा है, बाहर का कोई व्यक्ति काम कर सकता है? ये देखिए लगा है। अच्छा यहाँ पर लगा है। लड़का के बच्चे ओकरा पास अति होल त इहे लगा है। अच्छा तब जब देखे के ढेला कहाँ से तो देखे लगे तो इधर से एकदम गदाक माने, अब यहाँ से जा करके वहाँ उन्हें मार दिया। आज ही मारा है कि कई दिन से मारा? घर अभी आज मारा। आज आपके घर आज ही मारा है? हाँ आज ही मारा है। और आजू बाजू पड़ोसी वाले के घर? घर बगल में हमारा मारा है, गोतिया चौकदार बोल रहा है। अच्छा तो आपको क्या लग रहा है, गाँव का ही कोई आजू बाजू का होगा? अब हमारा ये तो समझ में नहीं है कि गांव के है कि बाहर के आदमी है। हाँ ना। हाँ। देखे नहीं कि ये सर तक क्या बोलेंगे। लेकिन अच्छा बाहर का कैसे कोई आ सकता है, हम सवाल सबसे बड़ा यही है, 7:30 बजे बाहर से आ सकता है? एक गांव से दूसरे गांव की दूरी कम से कम 3 से 4 किलोमीटर है। हाँ, दूसरा गाँव का कोई भी व्यक्ति आएगा इधर तो इतना जल्दी भाग नहीं पाएगा क्योंकि गाँव का व्यक्ति है, इसी समाज का व्यक्ति है, है ना चाचा? इसी समाज का व्यक्ति है, आता होगा मार के इसी में घूम जाता होगा, मिल जाता होगा। अब बताइए इस प्यारे से बच्चे को ये जो ये हरकत करने वाला नीच गिरी करने वाला आदमी पत्थर मार दिया है, बताइए इस बच्चे को पत्थर लग गया है। अरे मेरे भाई तुम क्यों परेशान कर रहे हो गांव के, चाहे जो भी हो डकैती करना चल जाओ ना रेलवे स्टेशन में डकैती करते रहना, थुरा कुचा जागो उधर जाके, गांव के लोगों को परेशान कर रहे हो 8:30-7 बजे यार। कभी 7 बजे, कभी 10 बजे, कभी 1 बजे। अच्छा, बजे कोई टाइम टेबल नहीं। हाँ, कोई टेबल नहीं। कभी 7:30 बजे, कभी 8:30-8:30, कभी 10 बजे। 4 दिन में यह गत हुई भाई। अच्छा, हमारे घर 1 बजे। हाँ। वहाँ नीचे घर तो ना घर 10 बजे। अच्छा, यहाँ 7 बजे 9 बजे साढ़े बगल में तो रहो 9 बजे। अच्छा, अब आज देखिए कौन बजता होगा अभी? हाँ। 7:30 होता होगा। ये इतने परेशान कर दो अपन को नहीं खन जाते, बस इतने तरह परेशान करते। देखिए कहीं ना तो कहीं ये बात साबित हो जाती है कि बाहर के लोग नहीं आ रहे हैं, बाहर का लोग कोई भी चोरी बच्चा चोरी करने किडनी निकालने नहीं आ रहा है क्योंकि 7:30 बजे से 1 बजे रात के बीच में मारता होगा कोई, पत्थर मार रहा जैसा कि चचा लोग का कहना है, इनका कहना है, तो आसपास के लोग गांव के लोग मारते होंगे क्योंकि जाहिर सी बात है बाहर का व्यक्ति कोई कैसे आ सकता है, और आएगा तो कैसे उड़ के चल जाएगा, कोई अथी है, जादूगर है, क्रिस है कि उड़ गया फुर से उछल गया उन्हें, कैसे जा सकता है? नहीं जा सकता है तो गाँव का व्यक्ति कोई कर रहा है, आप ही के गाँव का व्यक्ति कर रहा है, ढूंढिए और उसको कटारी से दम भर काटिए तब जाके सुधरेगा। भेटा जाए तो उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। बने रहिए हमारे साथ, जय हिंद।